आज हम बनाएंगे मेथी और तिल के लड्डू। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैंने लड्डू को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए, आप घर पे बना सकते हो। अभी हम मेथी के लड्डू बनाएंगे। इसके लिए देखो मैंने सारी चीज़ें ली हैं, मैंने मेजरमेंट करके सारी चीज़ें ली हैं। ये देखो मैंने खसखस लिए, अब हम इसमें 100 ग्राम खसखस डालेंगे। मैंने थोड़ा सा कम डाला है खसखस को, क्योंकि मेरे पास खसखस नहीं था और मार्केट में भी अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा ही डाला है। ये देखो मैंने आधा किलो काजू लिया था और आधा किलो बादाम लिया था। इसको मैंने मिक्सर जार में डाल के दरदरा पीसा था। ये देखो मैंने 1.5 किलो डिंक लिया है, इसको हिंदी में गोंद भी कहते हैं। और मैंने 2 किलो गुड़ लिया है। ये देखो मैंने गुड़ को भी काट लिया है। ये देखो मैंने 1.5 किलो खारिक लिए थे, खारिक को हिंदी में छुआरे कहते हैं। ये देखो मैंने खारिक का भी दरदरा पाउडर बना लिया है। मैंने 1 किलो नारियल लिया था सूखा हुआ, इसको मैंने कद्दूकस किया है। मैंने 1 किलो मेथी ली थी और 1 कप मैंने गेहूँ डाले थे उसमें। ये देखो मैंने मेथी को और गेहूँ को पीस लिया है। ये देखो मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं। अभी हम मेथी के आटे को अच्छे से छान लेंगे। ये देखो मैंने मेथी के आटे को अच्छे से छान लिया। अभी हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, तेल को अच्छे से गरम करेंगे। तेल अच्छे से गरम होने के बाद डिंक डालेंगे और डिंक को अच्छे से फ्राई करेंगे तेल में। इसको गोंद भी कहा जाता है। देखो अच्छे से फ्राई हो गया है, अभी हम डिश में निकालेंगे। सेम प्रोसेस से आगे भी वैसे ही करें। डिंग फ्राई हो रहा है तब तक हम मेथी के आटे में सारी चीजें डाल देंगे। अभी हम इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे। अभी हम इसमें खारिक का पाउडर डालेंगे, इसको छुआरे भी कहते हैं। उसके बाद काजू बादाम का पाउडर डालेंगे। खसखस डालेंगे, उसके बाद फ्राई किया हुआ डिंक डालेंगे। फ्राई किया हुआ डिंक को अच्छे से तोड़ लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखो अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखो मैंने 2 किलो तेल लिया है। अभी हम इसमें कटा हुआ गुड़ डालेंगे। आप तेल को स्किप करके घी में भी बना सकते हैं लड्डू को। ये देखो मैंने गुड़ को डाल दिया है। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखो गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। ऐसे ही गुड़ को 5-10 मिनट के लिए अच्छे से पका लें।
अभी हम इसमें ये डाल देंगे। ये सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम लड्डू बनाएंगे। ये देखो मैंने लड्डू बना लिए। अभी हम सारे लड्डू को बना लेंगे। ये देखो हमारे मेथी के लड्डू रेडी हैं। अभी हम तिल के लड्डू बनाएंगे। इसके लिए देखो मैंने आधा किलो तिल लिए। ये देखो मैंने आधा किलो गुड़ लिए। अभी हम तिल को सेक लेंगे। ये देखो मैंने तिल को सेक लिया और मैंने परात में निकाल लिया है तिल को। ये देखो मैंने आधा कप घी लिया है। अभी हम आधा कप घी डालेंगे। अभी हम गुड़ डालेंगे। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम गुड़ को अच्छे से मेल्ट करेंगे और मैंने एक चम्मच घी डाला है मेल्ट करने के लिए। ऐसे ही 5 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखो गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अभी हम इसमें मेल्ट किया हुआ गुड़ डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे।
ये देखो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने की प्रोसेस फास्ट करें। ये देखो मैंने लड्डू को बना लिया है। ये देखो हमारे तिल के लड्डू रेडी है।